नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सिद्धार्थनगर जिले में करीब 9 करोड़ की लागत से बनी सड़क 20 दिन में ही जगह जगह से धंसकर जर्जर हालत में पहुंच गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बता दें कि मामले की शिकायत क्षेत्रीय विधायक विनय वर्मा ने लिखित तौर से मुख्यमंत्री से करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वह इस पूरे मामले में जिलाधिकारी का कहना है कि इस प्रकरण की जाँच कराई जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, यह प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है और इसके संबंध में हमने कल ही उनको कहा था, HCNPW निर्माण खंड जो है, कि जाकर मौके पर इसकी जांच कर लें। जांच करने के दौरान उन्होंने कहा कि ये टोटल 7 किलोमीटर की सड़क है, जिसमें 6.5 किलोमीटर जो है प्रॉपरली उसमें कोई इशू नहीं है, जैसा उनके द्वारा बताया गया है। जो 500-600 मीटर का है, जिसमें ये हुआ है कि वो अत्यधिक दबाव के कारण वो ख़राब हो गई है। अब उस पर उनका ये कहना है, उनका जो टेक्निकल जो उनका सेइंग है, कहना यह है कि ये रोड जो है ग्रामीण सड़क है और इस पर भारी वाहन चलने का कारण ऐसा हो गया है। लेकिन उस संबंध में हम लोग ने उनसे प्रॉपरली टेक्निकल रिपोर्ट मंगाया है। जीतपुर से बैसावा जाती है ये, और ये 21 दिन पहले बना था। आप इसकी हालत देख सकते हैं। अगर इसकी, अरे वो आप कहते हो तो मैं अंगुल से नाप के आपको दिखा सकता हूँ कि कितना मटेरियल अरे डला हुआ। अगर आज ये इसकी हालत है तो बारिश के आने वाले समय में मेरे को ये नहीं लगता कि बारिश तक ये टिक पाएगा। आपको देख लो, एक बारिश और एक मौसम ही ये हुआ जो कि उसमें इस सड़क की आप हालत देख सकते हैं। प्रशासन इसको जो भी है, इसके पीछे जो काम करा रहा है, जैसा भी है, इसको इसकी इंक्वायरी हो और इसका देखा जाए कि ये दोबारा ऐसा ना हो। ये तो प्रशासन का सर आम धोखा दिया जा रहा कि अरे ये अभी 10 दिन पहले, अरे 20 दिन पहले ये बनी है, जिसके वजह से ये आप हालत देख लो। नाम क्या है, कहाँ रहते हैं? हमारा नाम हमीदुल्लाह है, मौजा भैंसावा का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये हमीदुल्लाह साहब, ये जो सड़क है, ये कितना दिन पहले बना? और इसी महीने में भी बना हुआ, अब तारीख नहीं याद है, लेकिन इसी महीने में हुआ है। अभी महीना भी नहीं पूरा हुआ, ये डामर जो पड़ा है, गिट्टी तो बहुत पहले से पड़ी है, लेकिन ये डामर जो पड़ा है अभी इसी महीने में पड़ा है। अच्छा, ये पड़ने के बाद एकदम से ये टूट गया? हाँ, तो अभी तो मैं एक हफ्ता हुआ इधर आया था तो सही था, आज हो आया हूँ टूट गया। तो जो हम वहीं आए तभी बोलने लगा, यार ये कैसे टूट गया सड़क, क्या बात है? क्या लग रहा है, काम सही नहीं हुआ है? काम सही नहीं, ऐसा अभी महीना भी नहीं बीता सड़क टूट गया, ऐसा कैसा होना चाहिए, गलत है। तो कुछ सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? अब सर, आपके इलाके की सड़क है, इस तरह से टूट जा रही है, तब तो गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे कि अब वही भाई सरकार ख्याल करे ना, ऐसा कैसा हो रहा है, सालों भर नहीं चल रहा है, एक महीना भी नहीं चल रहा है, खाली पैसा भर फूंक रहे हैं बस। सीएम योगी ने राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आ गई है। बता दें कि इस मौके पर सांसद रवि किशन, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, महापौर सीताराम जायसवाल के साथ राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलपति सीमा और DM विजय किरण आनंद मौजूद रहे। आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी के चौमाश शमापुर पे दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि यहां तेज रफ्तार में बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे एक महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि हादसा तब हुआ जब बस जयपुर से गोरखपुर की तरफ जा रही थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। बदायूं के दातागंज क्षेत्र के ग्राम कमा में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता दिख रहा है। बता दें कि गांव कमा में एक युवक खेत पर काम कर रहा था, इसी दौरान अचानक जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया। तो वहीं चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने पहुंचकर सुअर से युवक को बचाया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को CSC दातागंज पर भर्ती कराया गया, जिसकी हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फतेहपुर जिले में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक की हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे SP सहित पुलिस फोर्स मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
जनपद फतेहपुर के खरियाव थाना क्षेत्र के बेटी सादात गांव में आज एक व्यक्ति शंकर गुप्ता नाम के हैं, जो उम्र 30 वर्ष है, बाघ में मृत अवस्था में पाए गए। उनके सिर में गोली का निशान है और पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक व्यक्ति को संदिग्ध है, उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पुलिस के द्वारा कुछ समय कार्रवाई की जा रही है। गोंडा के एटिया थू कोतवाली क्षेत्र में पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। वहीं एक आरोपी मौके से भागने में सफल रहा तो एक 25,000 का नामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बता दें कि आरोपी युवक का नाम पारसनाथ है, जो कि आभूषण व्यवसाय से लूटकांड में फरार चल रहा था। वहीं पुलिस बदमाश के कब्जे से 22,000 नकदी, ज्वेलरी, बाइक, अवैध असलाह और कारतूस और खोखा बरामद कर चुकी है। और अब खबर जौनपुर से, जहां निकाह कबूल करने के बावजूद भी दुल्हन अपने ससुराल नहीं पहुंच सकी और बारातियों को बिना दुल्हन के ही घर लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि दूल्हा एक पैर से मामूली लंगड़ा था, जिसकी वजह से दुल्हन के कानों तक ये बात पहुंच गई तो दुल्हन ने दूल्हे के घर जाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कन्नौज डीएम राकेश कुमार मिश्रा अवैध कब्जा और अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गए हैं, जिसके बाद लगातार 4 दिन से अतिक्रमण ढहाने का अभियान कन्नौज में जारी है। अतिक्रमणकारियों के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स भी टीम के साथ चल रही है। इस नगरी में पालिका क्षेत्र में डीएम ऑफिस के पीछे स्थित मानपुर रोड पर अतिक्रमण ढहाने की अगुवाई पालिका ईओ नीलम चौधरी ने की। उन्होंने कहा कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार और डीएम साहब के आदेशानुसार ये अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण का नाला नाली पे और जो सरकारी भूमि पे कब्जा है उसको तत्काल हटाए जाने का आदेश दिया गया है। मैम, कहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है, कितने आज हमारा गोलकुंड चौराहे से मानपुर रोड की तरफ चला है। लगातार यहाँ पे शिकायत आती रहती थी कि जल निकासी की समस्या है, इसको दृष्टिगत रखते हुए आज यहाँ पे अभियान चलाया गया। किसी प्रकार का विरोध भी हुआ क्या? विरोध जहाँ पे कार्य होता है तो विरोध तो होता ही है, लेकिन हमें पुलिस प्रशासन का बड़ा सहयोग मिल रहा है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से सौभाग्यवती महिलाओं के लिए, अपने पति की लंबू आयु के लिए और संतान प्राप्ति के लिए और घर परिवार के सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन वटवृक्ष या बरगद के पेड़ की पूजा विशेष प्रावधान है, अतः इस दिन आपको वटवृक्ष या बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। सभी शादीशुदा महिलाओं के लिए व्रत बहुत ज़्यादा खास होता है। तो वहीं कन्नौज में सुबह से ही जिले के ज़्यादातर वटवृक्षों के पास पूजा के लिए महिलाएँ की भीड़ जुटी हुई है। लखनऊ में बूतीखंड थाना क्षेत्र के बारे में एक बार फिर से जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि इससे पहले भी कई दफा बार में मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस के सामने भी दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दिए। श्री साई नटराजन आर्ट अकेडमी तिरुपति आंध्र प्रदेश की ओर से श्री बद्रीनाथ धाम में भगवान श्री बद्री विशाल जी के भजनों पर कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी नृत्योत्सव मनाया गया है। इस मौके पर अकेडमी से आए कलाकारों ने भगवान विष्णु को समर्पित वंदे विष्णु, श्री मन्ना नारायण और देवी दुर्गा को समर्पित जय देवी नंदिनी भजन पर नृत्य प्रस्तुत किए। चारधाम यात्रा के मद्देनजर देहरादून के पुलिस कप्तान जन्मेजय खंडूरी बीते दिन ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ट्रैवल एजेंट के साथ कोतवाली परिसर में पहले बैठक की और उन्हें तीर्थयात्रियों के साथ सभ्य व्यवहार और निर्धारित किराया वसूल करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद पुलिस कप्तान ने बीटीसी परिसर में तीर्थयात्रियों के लिए की जा रही तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। जहाँ तक व्यवस्थाओं का संबंध है तो व्यवस्थाएं जो जितने भी यात्री यहाँ पर चारधाम यात्रा करके आ रहे हैं उनके द्वारा बताया गया है कि वहाँ पर जो चारधाम की यात्रा थी उनकी काफ़ी सुगम रही और वहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो काफ़ी अच्छी थी। जहाँ तक क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन है
तो सभी से अपील भी हम आपके माध्यम से कर रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही यहाँ पर आएँ। मान लीजिए स्पिल ओवर रहता है, उनके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी उपलब्ध है, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन एक लिमिटेड नंबर में ही किया जा रहा है, क्योंकि जो केदारनाथ है या बद्रीनाथ धाम है, चाहे यमुनोत्री है, गंगोत्री धाम है, इनकी कैरिंग कैपेसिटी एक लिमिटेड है। उस लिमिटेड से ऊपर भेज पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि फिर व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। तो उसके लिए हम लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं। जहां तक ट्रैवल एजेंट्स हैं जो ऑलरेडी यहां पर आ चुके हैं, तो उनसे भी हम मीटिंग लगातार कर रहे हैं कि जो यात्री यहां पर हैं उनकी जल्दी से जल्दी चारधाम यात्रा समाप्त हो पाए, ताकि वो चारधाम करके फिर अपने गंतव्यों को जा पाए। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के फुलसुंगी में एक युवक पर फायर करने का मामला सामने आया। गनीमत रही कि गोली गर्दन के ऊपर हिस्से को छूकर निकल गई। फायरिंग की आवाज़ सुनकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया, तो वहीं भीड़ को आता देख आरोपी युवक तमंचा घटनास्थल पर ही छोड़कर भाग गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हाईवे पर सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। बता दें कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कोपांग बैंक के पास एक यात्री से भरा टेम्पो ट्रैवलर्स दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि वाहन में 15 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं अन्य 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी का टोटा है, और ऐसा तब है जब ये भारत चीन बॉर्डर और चारधाम यात्रा का मुख्य मददगार मेडिकल कॉलेज है। साथ ही गढ़वाल क्षेत्र के पहाड़ी जिलों के लिए लाइफलाइन के तौर पर जाना जाता है। यहाँ हालत इतने खराब है कि विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी के चलते रोजाना मरीजों को रेफर करना पड़ता है, जिसका खामियाजा तीमारदारों को भुगतना पड़ता है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज में पिछले कई सालों से स्थायी न्यूरोसर्जन कार्डियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसके अलावा भी विभिन्न विभागों में डॉक्टर्स की कमी है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया के साथ।